बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ एकदम ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जहाँ पर होंगे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बड़े मज़े के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी हम जा रहे हैं खेतों में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने थिल को स्टार्ट कर लिया है। नीचे भाई साहब जो है वो हारा नहीं चल रहा, उसकी जो है सेटिंग वेटिंग चेक कर रहे हैं। इस तरह मेरा जेसीबी खड़ा है, जेसीबी को भी तैयार कर लिया गया। अभी हम खेतों का काम जैसा कि आप दोस्तों को बताया शुरू हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं पराली लेने, वो पीछे थी हमने स्टार्ट कर लिया है। इसमें भाई साहब जाएंगे और ये मेरा जेसीबी, जेसीबी के ऊपर मैं जाऊंगा। ऐनक लगा रही है क्योंकि मच्छर और कुत्ती जिसे कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो एहतियात जो है वो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि खेतों में काम काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी धूप भी निकली हुई है, हवा अलहमदिल्ला हल्की हल्की ठंडी से चल रही है, तो इंशाल्लाह चलेंगे खेतों में और दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मकदार में हमारी पराली जो है वो निकली है। पराली कह सकते हैं, और अगर आप तुर्की से या साइप्रस से देख रहे हैं तो बाला कहते हैं, सानो कहते हैं उसे। अभी आज हम सानो जो है वो इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा जेसीबी, इसके साथ मैं जाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज जो है वो रेडी हो गए हैं। भाई साहब जो है वो हॉर्न पे आराम दे रहे हैं, चला लिया, अभी निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी स्टार्ट करते हैं जिसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई साहब जो है वो निकल पड़े हैं, तो अभी आगे आगे दिखाते हैं आपको कैसे मामलात हैं, कहां पर जाना पड़ेगा, कौन कौन सी पहलियाँ हैं। क्योंकि मालिक ने जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा खेतों में है, कहीं पर दो है, कहीं पर तीन है। अगर पराली की बात करूँ तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह की होगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो खेत में पड़ी हुई है इसको हम लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं।